हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड। आज मैं वेस्ट बंगाल की एक बहुत फेमस रेसिपी आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो है मुड़ी घंटो। ये वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों जगह पे ही बहुत फेमस है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और आप इसे एज ए साइड डिश भी खा सकते हैं और एज ए पुलाव भी खा सकते हैं। घर पे मुड़ी घंटो बनाने के लिए कुछ बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स की ही ज़रूरत पड़ते हैं, जो इजीली हम लोग के किचन में मिल जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस रेसिपी को। मुड़ी घंटो बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं ले रही हूँ एक कप राइस। राइस की क्वांटिटी आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हैं यहाँ पे कम ज़्यादा करके। अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ और इसे मैं दो बार अच्छे से पानी बदल के धो लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे धो लिया है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं धोना है, इससे राइस में जो एक बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है वो चला जाएगा। तो राइस को ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक फ़िश हेड लिया है, मैंने यहाँ पे कतला फिश हेड लिया है, आप रोहू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैं मैरिनेशन के लिए डाल रही हूँ हाफ टी स्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। अब बहुत अच्छे से इसे मैं मिक्स कर लूँगी हाथ से। यहाँ पे मैंने फिश हेड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, इसे फ्राई करके कुक करने में आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बहुत अच्छे से इसे मिक्स करके रख लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करने के लिए नहीं छोड़ेंगे, इसका ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है कुकिंग के लिए एक पैन, इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल। इस रेसिपी को मस्टर्ड ऑयल में ही बनाने की कोशिश कीजिए। तो तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा आलू फ्राई करूंगी। मैंने एक मीडियम साइज़ के आलू को डाइस शेप में कट कर लिया है। अब इसे मैं हल्का सा फ्राई करूंगी, बहुत ज़्यादा इसे हमें क्रिस्पी करके फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर करके। मैंने यहाँ पर देखिए फ्राई हो गया है, मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। अब इसे मैं ऑयल से ड्रेन आउट कर लूँगी। आलू का इस्तेमाल आप चाहते तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मुड़ी घंटो में आलू ऐड करने से टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब देखिए आलू को भी ऑयल से मैंने निकाल दिया है। अब सेम ऑयल में ही मैं फिश हेड को भी फ्राई करूँगी। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रख के मैं यहाँ पे फिश हेड को फ्राई करूँगी। थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे करना है, क्योंकि कभी कभी ऑयल स्प्लिट आउट होता है, आप चाहते तो कवर करके भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में दोनों साइड बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसे तेल से उठा के अलग रख लूँगी। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको रखना है, फिश हेड के जो पीसेज है इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है, नहीं तो इसका रॉ स्मेल रहेगा जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल से इसे उठा के अलग कर लिया है। अब जो बचा हुआ ऑयल है इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 तेज़पत्ता, साथ में मैं ऐड कर दूंगी 1 लाल मिर्ची, उसके साथ ऐड करें 2 इलायची और 2 टुकड़ा दालचीनी का, और ऐड कर दूंगी मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून जीरा। अब इसे मैं थोड़ा सा सौते करूँगी। गैस की फ्लेम को मैंने इस टाइम मीडियम पर रखा है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी कट करके रखा हुआ टोमेटो। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ के टोमेटो को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इस टोमेटो को मैं थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करूँगी, अभी इसे मैं नहीं गला रही हूँ। तो अब देखिए थोड़ी देर में ये फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जिंजर यानी कि अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। मैं इस रेसिपी में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कुछ लोग इसमें पसंद करते हैं, तो अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना प्याज लहसुन के भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अदरक ऐड करके भी मैंने 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लिया है, इससे अदरक का कच्चा स्मेल चला जाएगा। तो अब देखिए मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। तो मैं इसमें ऐड करी 1/2 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरा, 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ यहाँ पे कोरिएंडर यानी कि धनिया, 1/2 टीस्पून करीब टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, और इसमें मैं सॉल्ट भी 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ, सॉल्ट भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। अब यहाँ पे हल्का सा मैं इसे फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा या हाई फ्लेम में यहाँ पे हमें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो मसाला एकदम जल जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए थोड़ी देर बाद ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोख करके रखा हुआ राइस को। अब इस राइस को हम मसाले के साथ 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से इसका जो टेक्सचर है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, और इसका जो एक बहुत एरोमा आता है, गोविंदभोग राइस में एक बहुत अच्छा एरोमा होता है, वो भी और अच्छे से एनहेंस हो जाएगा।
तो धीरे धीरे देखिए टेक्सचर चेंज हो रहा है, ऑयल रिलीज होना यहाँ पे शुरू हो गया है। तो अब बहुत ज़्यादा देर भी इसे हम नहीं फ्राई करेंगे, करीब 2 मिनट के लिए यहाँ पे फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले फ्राई करके रखा था, और फिर से अच्छे से मैं इसे फ्राई करके रखा हुआ राइस के साथ मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे और ज़्यादा देर हम लोग इसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि आलू भी पहले से ही फ्राई है और राइस को भी हम लोगों ने मसाले के साथ ऑलरेडी फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमें ऐड करना है पानी, तो पानी हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2.5 कप, क्योंकि जब हम लोग राइस बनाते हैं तो 1 कप राइस के लिए डबल यानी कि 2 कप पानी का इस्तेमाल करते हैं। मूढ़ी घंटो जो है इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा गीला गीला सा बनता है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 2.5 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब इसमें देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है क्योंकि गर्म पानी ऐड किया है। तो इसी टाइम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राई करके रखा हुआ फिश हेड के पीसेस को, क्योंकि ये भी राइस के साथ अच्छे से कुक होगा तभी इसमें फ्लेवर और टेस्ट दोनों अच्छा आएगा। तो अच्छे से मैंने देखिए इसमें मिक्स कर दिया है। इसी टाइम आप इसमें सॉल्ट भी चेक करके डाल सकते हैं। इसमें हम लोग थोड़ा सा शक्कर यानी कि चीनी का भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो हम लोग बाद में करेंगे। तो अब मैं इसे कवर करके 7 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। अब 7 मिनट बाद देखिए मैं लीड ओपन कर रही हूँ। यहाँ पे राइस ऑलमोस्ट कुक हो गया है और आलू भी सॉफ्ट हो गया है, लेकिन राइस को और थोड़ा सा हमें कुक करना है। एकदम गलाना भी नहीं है हमें, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है, लेकिन राइस अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट होना चाहिए। तो इस टाइम मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून शुगर, बहुत ज़्यादा भी ऐड नहीं कर रही हूँ। इससे मीठा नहीं होगा लेकिन एक मिठास आएगा जो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें 1/2 टीस्पून मैंने गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। अब अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं पानी ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो गया है, थोड़ा जो पानी है ये भी आगे एब्जॉर्ब होगा क्योंकि इसे हम लोग और 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे फिश हेड के पीसेस को मैं थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो सब कुछ देखिए बहुत अच्छे से मैंने ऐसे मिक्स कर लिया है। ऐसे अच्छे से मिक्स करने से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब मैं इसे फिर से कवर कर दूँगी और कवर करके लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी। थोड़ी देर बाद यहाँ पे देखिए एकदम बन गया है, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से सब कुछ सॉफ्ट हो चुका है और पानी देखिए एकदम एब्जॉर्ब हो गया है। ये ठंडा होने के बाद पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी लास्ट और मेन इंग्रेडिएंट्स घी, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो घी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं इसे फिर से एक बार मिक्स कर लूँगी और गैस की फ्लेम को भी इसी टाइम में बंद कर दूँगी। इस टाइम आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा ड्राई होगा। तो अब मैं इसे थोड़ी देर स्टैंडिंग टाइम पर रख के उसके बाद इसे सर्व कर रही हूँ। तो आज की ये रेसिपी आप सब लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप आज फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को क्लिक कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए और सब्सक्राइब करके मुझे एनकरेज भी ज़रूर कीजिए। तो आज इतना ही, फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद चश्मीज़ किचन मंत्रा।